शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है जो गालिब है, हिकमत वाला है। हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों में है हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और काफिरों को जिस चीज से खबरदार किया जाता है उससे वो मुंह फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब मेरे पास लाओ या तुम्हारे पास इल्म अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो कयामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो, और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक के बारे में जबकि वो उनके पास आ चुका कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने इसको असखुद घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो उस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो, वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है और वही तो है बड़ा बख्शने वाला मेहरबान। कह दो कि मैं कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूं और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मुझ पर वही आती है, और मेरा काम तो अलानिया खबरदार करना है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया, और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की, तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है? बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और काफिर मोमिनों के मुतालिक कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते, और जब वो इससे हिदायत याब न हुए तो कहेंगे कि यह तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और यह किताब अरबी जबान में है उसकी तस्दीक करने वाली, ताकि जालिमों को खबरदार करे और नेकूकारों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर वो उस पर कायम रहे तो उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे, ये उसका बदला है जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया, उसकी मां ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना ढाई बरस में होता है, यहां तक कि जब वो पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे मां बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूं, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं और मैं फरमाबरदारों में हूं। यही लोग हैं जिनके आमाले नेक हम कबूल करेंगे और इनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता था। और जिस शख्स ने अपने मां बाप से कहा कि मैं तुमसे बेजार हूं, क्या तुम मुझे यह बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा हालांकि बहुत सी कौमें मुझसे पहले गुजर चुकी हैं? और वो दोनों अल्लाह की जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो इनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे, और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गरज यह है कि अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाएगा। और जिस दिन काफिर दोजख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे लुत्फंदोज हो चुके, सो आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाता है। ये उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे और उसकी कि बदकिरदारी करते थे। और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में खबरदार किया और उनके आगे और पीछे से खबरदार करने वाले गुजर चुके थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो,
مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ پیغمبر نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے، تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی، جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے، جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی۔ آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ اور اے مکے والو، تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں، تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں، کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے، کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو۔ پس اے نبی، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دیں۔ یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے کہ جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ یہ اعمال کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ پس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا۔ اے اہل ایمان،
अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा, और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है और अल्लाह उनके आमाल को बर्बाद कर देगा। ये इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज नाजिल फरमाई उन्होंने उसको नापसंद किया, तो अल्लाह ने उनके आमाल अकारत कर दिए। क्या इन्होंने मुल्क में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी और उसी तरह का अजाब इन काफिरों को भी होगा। ये इसलिए कि जो मोमिन है उनका अल्लाह कारसाज है और काफिरों का कोई कारसाज नहीं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको अल्लाह बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल फरमाएगा, और जो काफिर हैं वो फायदे उठाते हैं और इस तरह खाते हैं जैसे हैवान खाते हैं, और उनका ठिकाना दोजख है। और बहुत सी बस्तियां तुम्हारी बस्ती से जिसके बाशिंदों ने तुम्हें वहां से निकाल दिया जोर और कुव्वत में कहीं बढ़कर थी, हमने उनको बर्बाद कर दिया और उनका कोई मददगार न हुआ। भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से खुले रस्ते पर चल रहा हो वो उनकी तरह हो सकता है जिनके आमाले बद उन्हें अच्छे करके दिखाए जाएं, और जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें वो जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा किया जाता है उसकी सिफत यह है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बू नहीं करेगा, और दूध की नहरें हैं जिसका मजा नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और साफ शुदा शहद की नहरें हैं और वहां उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और उनके परवरदिगार की तरफ से मगफिरत है। क्या ये परहेजगार उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे और जिनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा? और इनमें बाज ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं, यहां तक कि सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकलकर चले जाते हैं तो जिन लोगों को इल्मे दीन दिया गया है उनसे कहते हैं कि भला इन्होंने अभी क्या कहा था? यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है, और ये अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं, और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं उनको वो मजीद हिदायत बख्शता है और उनको परहेजगारी इनायत करता है। अब तो ये लोग कयामत ही की राह देखते हैं कि नागहां इन पर आ वाके हो, सो उसकी निशानियां सामने आ चुकी हैं, फिर जब वो इन पर आ नाजिल होगी उस वक्त इन्हें नसीहत कहां मुफीद हो सकेगी। बस जान रखो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने कसूर की मुआफी मांगो, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी, और अल्लाह तुम लोगों के चलने फिरने और तुम्हारे ठिकाने से वाकिफ है। और मोमिन लोग कहते हैं कि जिहाद से मुताल्लिक कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं होती? लेकिन जब कोई वाज़े अहकाम वाली सूरत नाजिल हो और उसमें जंग का बयान हो तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ इस तरह देखने लगे जिस तरह किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो रही हो, सो उनके लिए खराबी है। खूब काम तो फर्माबरदारी और पसंदीदा बात कहना है, फिर जब जिहाद की बात पुख्ता हो गई तो अगर ये लोग अल्लाह से सच्चे रहना चाहते तो इनके लिए बहुत अच्छा होता। सो ए मुनाफिको, अजब नहीं कि अगर तुम हाकिम हो जाओ तो मुल्क में खराबी करने लगो और अपने रिश्तों को तोड़ डालो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों को बहरा और इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े? जो लोग राह हिदायत जाहिर होने के बाद पीठ फेर गए, शैतान ने यह काम उनको अच्छा करके दिखाया और उन्हें लंबी उम्र का वादा दिया। ये इसलिए कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब से बेजार हैं ये उनसे कहते हैं कि बाज कामों में हम तुम्हारी बात भी मानेंगे, और अल्लाह उनके पोशीदा मशवरों से वाकिफ है। तो उस वक्त इनका कैसा हाल होगा जब फरिश्ते इनकी जान निकालेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर मारते जाएंगे? ये इसलिए कि जिस चीज से अल्लाह नाखुश है ये उसके पीछे चले और उसकी खुशनुदी को अच्छा ना समझे, तो उसने भी इनके आमाल को बर्बाद कर दिया। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये ख्याल किए हुए हैं कि अल्लाह उनके कीनों को जाहिर नहीं करेगा? और अगर हम चाहते तो वो लोग तुमको दिखा भी देते और तुम उनको उनके चेहरों ही से पहचान लेते, और तुम उन्हें उनके अंदाज़े गुफ्तगू ही से पहचान लोगे, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से वाकिफ है। और हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम करें और तुम्हारे हालात जांच लें। जिन लोगों को सीधा रास्ता मालूम हो गया और फिर भी उन्होंने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका और पैगंबर की मुखालफत की, वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे,
اور اللہ ان کا سب کیا کرایا عکارت کر دے گا۔ مومنوں، اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے۔ دیکھو، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی کھلی اور واضح، تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے، اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو احوال بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ مسلمانوں، تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھو اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو شخص عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ اے نبی، جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا تھا، سو آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی، اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے، اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جب تم لوگ مال غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے، ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے، نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ اے نبی، جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جنگ کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ ہار مان لیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا۔
न तो अंधे पर सख्ती है सफरे जंग से पीछे रह जाने में, और न लंगड़े पर और न बीमार पर सख्ती है, और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर के फरमान पर चलेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और जो रू गर्दानी करेगा वो उसे दर्दनाक अजाब देगा। ए पैगंबर, जब मोमिन तुमसे उस दरख्त के नीचे बयात कर रहे थे तो अल्लाह उनसे खुश हुआ, और जो सिद्क व खलूस उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया, तो उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फतह इनायत की, और बहुत सी गनीमतें वो आइंदा भी हासिल करेंगे, और अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा फरमाया है कि तुम उनको हासिल करोगे, फिर उसने ये गनीमत तुम्हें जल्दी से दिलवा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए। गरज ये थी कि ये मोमिनों के लिए अल्लाह की कुदरत का नमूना बन जाए और वो तुमको सीधे रास्ते पर चलाए, और कुछ और गनीमतें देगा जिन पर तुम कुदरत नहीं रखते, और वो अल्लाह ही की कुदरत में है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर लड़ते तो वो पीठ फेर कर भाग जाते, फिर वो किसी को न दोस्त पाते और न मददगार। यही अल्लाह की आदत है जो पहले से चली आती है, और तुम अल्लाह की आदत में कभी तब्दीली न पाओगे। और वही तो है जिसने तुमको इन काफिरों पर फतायाब करने के बाद सरहद मक्का में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया, और कुर्बानियों को भी कि अपनी जगह पहुंचने से रुकी रहें। और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें न होती जिनको तुम जानते न थे कि अगर तुम उनको पामाल कर देते तो तुमको उनकी तरफ से बेखबरी में नुकसान पहुंच जाता, तो भी तुम्हारे हाथ फतह रहती, मगर ताखीर इसलिए हुई कि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल कर ले। और अगर दोनों फरीक अलग अलग हो जाते तो जो उनमें काफिर थे उनको हम दुख देने वाला अजाब देते। जब काफिरों ने अपने दिलों में जिद की, और जिद भी जाहिलियत की, तो अल्लाह ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको परहेजगारी की बात पर कायम रखा, और वो इसी के मुस्ताहिक और अहल थे, और अल्लाह हर चीज से खबरदार है। बेशक अल्लाह ने अपने पैगंबर को सच्चा और सही ख्वाब दिखाया था कि तुम इंशाअल्लाह मस्जिद हराम में अपने सर मुंडवाकर या अपने बाल तरशवाकर अमन अमान से दाखिल होगे और किसी तरह का खौफ न करोगे। जो बात तुम नहीं जानते थे अल्लाह को मालूम थी, सो उसने उससे पहले ही जल्द एक फतह अता फरमाई। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत की किताब और दीन हक देकर भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर गालिब करे, और हक साबित करने के लिए अल्लाह ही काफी है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के मुकाबले में तो सख्त हैं और आपस में रहम दिल। ऐ देखने वाले, तू उनको देखता है कि अल्लाह के आगे झुके हुए सर बसजूद हैं और अल्लाह का फजल और उसकी खुशनूदी तलब कर रही हैं। कसरत सुजूद के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। उनके यही औसाफ तौरात में हैं और यही औसाफ इंजील में हैं। वो गोया एक खेती हैं जिसने पहले जमीन से अपनी सुई निकाली, फिर उसको मजबूत किया, फिर मोटी हुई और फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई और लगी खेती वालों को खुश करने ताकि काफिरों का जी जलाए। जो लोग उनमें से ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनसे अल्लाह ने गुनाहों की बख्शिश और अजरे अजीम का वादा किया है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, किसी बात के जवाब में अल्लाह और उसके रसूल से पहले न बोल उठा करो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सुनता है जानता है। ऐ अहले ईमान, अपनी आवाजें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आवाज से ऊंची न करो, और जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो उसी तरह उनके रूबरू जोर से न बोला करो, ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल जाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। जो लोग अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सामने दबी आवाज से बोलते हैं अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए जांच लिया है, उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं उनमें अक्सर बेअक्ल हैं, और अगर वो सब्र किए रहते यहां तक कि तुम खुद निकलकर उनके पास आते तो ये उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह तो बख्शने वाला है मेहरबान है। मोमिनों,
अगर कोई गुनाहगार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ऐसा न हो कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अगर बहुत सी बातों में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को अजीज बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया और कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया। यही लोग राह हिदायत पर हैं, यानी अल्लाह के फजल और एहसान से, और अल्लाह जानने वाला है हिकमत वाला है। और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो, फिर अगर एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू लाए, बस जब वो रुजू लाए तो दोनों फरीक में अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। मोमिनों, मर्द मर्दों से तमस्खुर न करें, मुमकिन है कि वो लोग जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है इनसे बेहतर हों, और न औरतें औरतों से तमस्खुर करें, मुमकिन है कि वो जिनका मजाक उड़ा रही हैं इनसे अच्छी हों, और अपनों को आपस में ऐब न लगाओ और न एक दूसरे का बुरा नाम रखो, ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो लोग तौबा न करें वो जालिम हैं। ऐ अहले ईमान, बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बास गुमान गुनाह है, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस न किया करो, और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो तुम जरूर नफरत करोगे, तो गीबत न करो और अल्लाह का डर रखो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, सबसे खबरदार है। देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए, कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल में से कुछ कमी नहीं करेगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए फिर शक में न पड़े, और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद किया, यही लोग ईमान के सच्चे हैं। इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जताते हो? और अल्लाह तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए, कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है और जो कुछ तुम करते हो उसे देखता है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कौफ, कुरान मजीद की कसम कि तुम पैगंबर हो। असल बात यह है कि इन लोगों ने ताज्जुब किया कि इन्हीं में से एक खबरदार करने वाला इनके पास आया, तो काफिर कहने लगे कि यह बात तो बड़ी अजीब है, भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो फिर जिंदा होंगे? ये जिंदा होना अक्ल से बईद है। इनके जिस्मों को जमीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हमको मालूम है, और हमारे पास तहरीरी याददाश्त भी है, बल्कि अजीब बात यह है कि जब इनके पास दीन हक आ पहुंचा तो इन्होंने उसको झूठ समझा, सो ये एक उलझी हुई बात में पड़े हैं। क्या इन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको कैसे बनाया और सजाया और उसमें कोई शिगाव तक नहीं? और जमीन को देखो, इसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाई ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बाग उगाए और खेती का अनाज और लंबे लंबे खजूर के दरख्त जिनका गाभा तह बतह होता है, ये सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है। और इस पानी से हमने मुर्दा जमीन को जिंदा किया, बस इसी तरह कयामत के रोज निकल पड़ना है। इनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद वाले लोग
झुटला चुके हैं, और आद और फिरौन और लूत के भाई और बन के रहने वाले और तुब्बा की कौम, गरज हर एक ने पैगंबरों को झुटलाया तो हमारी धमकी भी पूरी होकर रही। तो क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए? नहीं, बल्कि ये असर नौ पैदा करने के बारे में शक में पड़े हुए हैं। और हम ही ने इंसान को पैदा किया है, और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं, और हम तो रगे जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठे हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास लिख लेने को तैयार रहता है। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ऐ इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था, और सूर फूंका जाएगा, यही अजाब की धमकी का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने इस हाल में आएगा कि एक फरिश्ता उसके साथ हांकने वाला होगा और एक उसके आमाल की गवाही देने वाला। ये वो दिन है कि इससे तू गाफिल हो रहा था, अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है। और उसका हमनशी फरिश्ता कहेगा कि ये आमालनामा मेरे पास तैयार है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुकरे को दोजख में डाल दो, जो माल में बुखल करने वाला, हद से बढ़ने वाला, शुबे निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ और माबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी शैतान कहेगा कि ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने इसको गुमराह नहीं किया था बल्कि ये आप ही रस्ते से दूर भटका हुआ था। अल्लाह कहेगा कि मेरे हुजूर में रद्दोकद न करो, मैं तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेज चुका था। मेरे यहां बात बदला नहीं करती, और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। उस दिन हम दोजख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई, वो कहेगी कि कुछ और भी है, और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि उनसे मुतलक दूर न होगी। यही वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रुजू लाने वाले हिफाजत करने वाले से, जो रहमान से बिन देखे डरता रहा और रुजू करने वाला दिल लेकर आया, उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये हमेशा रहने का दिन है, वहां जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होगा। और हमारे यहां और भी बहुत कुछ है, और हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली, वो लोग इनसे कुव्वत में कहीं बढ़कर थे। फिर वो शहरों में गश्त करने लगे, क्या कहीं भागने की जगह है? जो शख्स दिले आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जे होकर सुनता है, उसके लिए इसमें नसीहत है। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात इनमें है सबको छह दिन में बना दिया, और हमको जरा भी थकन नहीं हुई। तो जो कुछ ये कुफ्फार बकते हैं उस पर सब्र करो, और आफ्ताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और रात के बाज औकात में भी और नमाज के बाद भी उसी के नाम की तस्बीह किया करो। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग एक जोर की आवाज यकीनन सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन होगा। हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, और हमारे ही पास लौटकर आना है। उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे, इस तरह से जमा करना हमें आसान है। ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है, और तुम इन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। बस जो मेरे अजाब की धमकी से डरे उसको कुरान के जरिए नसीहत करते रहो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बखेरने वाली हवाओं की कसम जो उड़ाकर बखेर देती हैं, फिर पानी का बोझ उठाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, फिर उस चीज को यानी बारिश को तकसीम करती हैं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो यकीनन सच्चा है, और इंसाफ का दिन जरूर वाके होगा। और आसमान की कसम जिसमें कई रस्ते हैं कि ऐ अहले मक्का, तुम्हें एक इख्तिलाफ वाली बात में पड़े हुए हो, उससे यानी अकीदा या आखिरत से वही फिरता है जो अल्लाह की तरफ से फेरा जाए। अटकल दौड़ाने वाले हलाक हों जो बेखबरी में भूले हुए हैं। पूछते हैं कि जजा का दिन कब होगा? वो दिन होगा जब उनको आग में अजाब दिया जाएगा। अब अपनी शरारत का मजा चखो, ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। बेशक परहेजगार बहिश्तों और चश्मों में होंगे, और जो जो नेमतें उनका परवरदिगार उन्हें देता होगा उन्हें ले रहे होंगे। बेशक वो इससे पहले नेकियां करते थे, रात के थोड़े से हिस्से में सोते थे और सुबह के औकात में बख्शिश मांगा करते थे।
اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ اے نبی، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔ پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے؟ اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا، اوپر سے بانج۔ انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت ہے، خبردار۔